मैं ना आपको एक अपना कोड भेजता हूँ, QR कोड, वो आप स्कैन कर लेना और उससे मेरा नाम या नंबर आ जाएगा वहाँ पर, तो उसमें आप के अकाउंट में 7,500 रुपये में डाल देता हूँ। दोस्तों, अगर NDTV के पत्रकार रवीश कुमार जी के शब्दों में कहा जाए तो भारत एक ठग प्रधान देश है। यहाँ पर रोज ही कई लोग बड़े बड़े इंटरनेट स्कैम्स का शिकार होते रहते हैं, और जिस कदर डिजिटल रेवोल्यूशन तेजी से हमारे देश में फैला है, अब तो ये स्कैम्स करने और भी ज्यादा आसान हो गए। अगर आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज जामतारा देखी है तो आपको आइडिया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। आज ऐसे कुछ स्कैम्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करना चाह रहे हैं, ताकि आप अगली बार कभी भी किसी स्कैमर से टकरा जाएं तो उसे पहचान सके। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। UPI फ्रॉड्स। UPI एक कमाल की पेमेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना इन स्कैमर्स ने भी बहुत अच्छे से सीख लिया है। UPI स्कैम्स को ज़्यादातर OLX और क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ ज़्यादा देखा जाता है। जब भी आप अपना कोई सामान बेचने के लिए इन वेबसाइट्स पर पोस्ट करते हैं तो अगले 24 घंटे में स्कैमर्स इन पर कूद पड़ते हैं। ये लोग ज़्यादातर खुद को आर्मी या फिर किसी और डिफेंस सर्विस का मेंबर बताते हैं, और आपसे ये कहते हैं कि उनकी पोस्टिंग अभी किसी दूर इलाके में हो रखी है, लेकिन उन्हें वो प्रोडक्ट ख़रीदना है जिसकी एड आपने डाली हुई है। इसके बाद वो आपसे कहते हैं कि वो आपको पेमेंट भेजने वाले हैं, और फिर वो आपसे आपकी UPI ID मांगते हैं। UPI के बारे में ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि उससे आप पैसा मांगने के लिए रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। ये स्कैमर्स इसी का फ़ायदा उठाते हैं और आपको एक UPI पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन आपका ध्यान भटकाने के लिए वो तुरंत ही आपको कॉल कर देंगे और अजीब सी जल्दबाजी मचाने लगेंगे और आपसे कहेंगे कि आप ट्रांजेक्शन अप्रूव कर दें। कभी भी पैसे रिसीव करने के लिए आपको ना ही ट्रांजेक्शन अप्रूव करनी होती है और ना ही कभी आपको अपना UPI पिन डालना होता है। UPI पिन सिर्फ तभी मांगा जाता है जब आप पैसे भेज रहे हो, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं होती और वो ट्रांजेक्शन अप्रूव करने के भ्रम में कभी कभी UPI पिन डाल देते हैं और पैसे उनके अकाउंट में आने के बजाय वहाँ से डेबिट हो जाते हैं। इसके बाद वो नंबर फ़ोन उठाना बंद कर देता है, और आप साइबर पुलिस के पास भी जाएंगे तो वो ज़्यादा मदद नहीं करते हैं। इनके काम करने का तरीका और भी है, जिसमें आपको ये डायरेक्टली बोल देते हैं कि आप पहले 1 रुपया हमें UPI करो ताकि हम चेक कर सकें आपका बैंक अकाउंट काम कर रहा है या नहीं। जब आप 1 रुपया भेज देते हैं तो वहाँ से स्कैमर आपको बोलता है कि उसके पास वो पैसे पहुँचे ही नहीं, और फिर वो आपसे कहता है कि शायद 1 रुपया बहुत कम अमाउंट है इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, आप एक बड़ा अमाउंट है भेजो। कई लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, और कस्टमर्स में ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कभी कभी ये लोग अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को भी व्हाट्सएप कर देते हैं ताकि आप इन पर विश्वास कर पाओ। इसके बाद जब आप एक बड़ा अमाउंट भी इन्हें भेज देते हैं ना, तो ये आपको ब्लॉक नहीं करते बल्कि आपसे कहते हैं कि वो पैसे भी इनके पास नहीं पहुँचे, और फिर ये लोग अजीब से बहाने बनाते हैं कि उनके पास बिजनेस अकाउंट्स हैं और उसमें 10,000 से कम ट्रांजेक्शन शो नहीं करती। आप पहले वो कर दीजिए और जब वो पैसे उन्हें शो कर जाएंगे तो वो इस पैसे के साथ साथ आपको प्रोडक्ट के पैसे भी उसी में ऐड करके भेज देंगे। आपको भी लग रहा होगा कि स्कैम में कौन फंसता होगा, लेकिन यकीन मानिए इंटरनेट पर ऐसे हजारों स्टोरीज पब्लिश्ड हैं जिन्होंने एक बार या दो बार नहीं बल्कि कई बार एक ही स्कैमर्स को इस तरह से पैसे भेजे हैं। लोन स्कैम। ये एक मज़ेदार स्कैम है। अचानक से आपको एक दिन ही मैसेज आएगा और आपके नाम पर एक लोन किसी इंटरनेट द्वारा अप्रूव हो गया है, और ये लोग कुछ पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जब आप उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नंबर पर उस ऐप पर पहले एक प्रोफाइल बनी हुई है जिसमें आपके नाम और डेटा है। ये स्कैमर्स इस डेटा को इंटरनेट पर ही खरीदते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके नाम पर 10,000 या 20,000 का लोन लिया गया है, उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, जबकि आपके एक बैंक अकाउंट में शायद उन्होंने 5,000 या 6,000 रुपये डाले होंगे। इसके बाद अब कुछ लोग आपको कॉल करना शुरू कर देंगे कि जल्दी जल्दी लोन की पेमेंट कर दो। ऐसे में लोग घबरा जाते हैं क्योंकि लोन तो उन्हीं के नाम पर लिया गया है और कुछ पैसे भी उनके अकाउंट में आ गए। अब अगर वो लोन नहीं देंगे तो हो सकता है कि उनके पर पुलिस केस हो जाए या फिर उनका सिविल स्कोर ख़राब हो जाए। ये स्कैमर्स आपको सोचने का टाइम ही नहीं देते और रोज़ फ़ोन करने लगते हैं। हर फ़ोन के साथ इनका रुख सख्त होता जाता है। कभी कभी ये बात गाली गलौच और FIR की धमकी तक भी पहुंच जाती है। ऐसे में कुछ लोग ये पेमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो जाए तो घबराइए मत। ये ऐप ज़्यादातर फेक होते हैं, और जो पैसे आपके पास हैं उन्हें अपने पास ही रखिए या पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। जब लोन आपने लिया ही नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लैकमेल। एक अजीब तरह के स्कैम जो ज़्यादातर टीनएजर्स या फिर यंग लोगों को अपना विक्टिम बना रहा है, वो इंटरनेट पर ब्लैकमेल करने का। इस स्कैम की शुरुआत इस तरह से होती है कि कोई लड़की आपसे सोशल मीडिया पर बात करने लग जाएगी या रैंडमली आपको व्हाट्सएप पर किसी वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट आ जाएगी। जब आप इस कॉल को उठाएंगे तो हो सकता है कि स्क्रीन के दूसरी तरफ कोई ना कोई हो।
या कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस आपका चेहरा कैप्चर करना होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वो आपका चेहरा कैप्चर कर लेते हैं और फिर कॉल काट देते हैं। कुछ देर बाद आपके नंबर पर आपको एक वीडियो भेज दी जाएगी जिसमें आपकी वीडियो को इस तरह से एडिट कर दिया होगा कि बहुत ही अश्लील बन गई होगी वो। ये लोग अब विक्टिम से ये कहकर ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि अगर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो सारे सोशल मीडिया पर डाल देंगे और उनके परिवार वालों को भी टैग कर देंगे। अगर कोई टीनेजर इस जाल में फंस जाता है तो माँ बाप या रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा होने के डर से उन्हें पैसे दे देता है। सिर्फ टीनेजर्स ही नहीं, बल्कि अगर आप अभी कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो लोगों को ये डर रहता है कि अगर उनके ऑफिस वाले वीडियो देख लेंगे तो शायद उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और वो निर्दोष होते हुए भी कब तक अपनी सच्चाई प्रूव करते फिरेंगे। ये लोग पहले इन वीडियोस को डिलीट करने के लिए 10,000 से 20,000 रुपए तक मांगते हैं, और अगर इन्हें समझ में आ जाता है कि इतने पैसे आपके पास नहीं है तो ये नेगोशिएट करके 2,000-3,000 तक भी पहुँच जाते हैं। हमने एक लड़के का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन लड़कियों को भी इस ब्लैकमेलिंग स्कैम में फंसाया जा सकता है। आपको ऐसी सिचुएशन में कोई भी पैसा नहीं देना है, बस पुलिस को रिपोर्ट करनी है। और अगर पुलिस कुछ भी ना करे तो घबराइए मत, ये लोग ये वीडियो नहीं पोस्ट करेंगे, इनके पास इतना टाइम ही नहीं है, इन्हें अपने अगले शिकार को भी तो स्कैम करना है। फिशिंग स्कैम। एक आखिरी स्कैम जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, वो है फिशिंग स्कैम। अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जहां पर आपको लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो कभी भी उस वेबसाइट को गूगल पर सर्च मत करिए, बल्कि उसका लिंक खुद टाइप कीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ स्कैमर्स इतने शातिर होते हैं कि वो गूगल पर इन वेबसाइट्स के लिंक से पहले अपने लिंक्स को ऊपर रैंक करवा देते हैं। हम लोग तो ज़्यादातर पहले वाले लिंक पर ही क्लिक करते हैं। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, आपको लगेगा आप सही वेबसाइट पर, लेकिन ये एक फेक वेबसाइट होती है जिसे ओरिजिनल वेबसाइट की तरह डिज़ाइन किया जाता है। जैसे ही आप इस वेबसाइट में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे, एक ब्लैंक पेज पर चले जाओगे आप, आपका सारा डेटा इन स्कैमर्स के पास पहुंच जाएगा। अब इस पासवर्ड से आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादातर तो लोग अलग अलग वेबसाइट्स के अकाउंट पर सेम पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सिर्फ उसी वेबसाइट के अकाउंट का ही नहीं बल्कि बाकी सभी अकाउंट्स का एक्सेस उनके पास चला जाएगा, और अब हो सकता है कि वो पासवर्ड भी चेंज कर दें। इन वेबसाइट को कभी कभी पहचाना भी जा सकता है, जैसे कि कई स्कैमर्स इन्हें बनाते हुए स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं और फिर इनका लोगो थोड़ा अजीब लग रहा होता है। अगर आप कभी गलती से ऐसी किसी वेबसाइट पर हो तो तुरंत इसे क्लोज करवा दीजिए। अगर आपने अपना पासवर्ड भर दिया है तो जल्दी से अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्कैम्स। अभी डेटा एंट्री और QR कोड स्कैम जैसे हजारों नहीं तो सैकड़ों स्कैम्स और बचे हैं जिन पर बात नहीं हुई है। अगर आप इन स्कैम्स पर भी एक वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। साथ ही अगर आपके आपके दोस्त के साथ कोई स्कैम हुआ है तो वो भी आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।